अस्सलाम वालेकुम। और भाई सर्दियाँ आ गई और मुझे बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सलाम में लेदर जैकेट्स पे वीडियो बनाते हैं। अब जिस किस्म की, स्पेशली मैं कराची में रहता हूँ तो हमारे यहाँ सर्दियाँ बड़ी थोड़े टाइम के लिए आती हैं, और जिस किस्म की सर्दियाँ पड़ती हैं ना, आप बड़ी महंगे महंगे लेदर जैकेट पर खर्चा करो तो उसका कोई हिसाब किताब बनता नहीं। अगर आप बहुत शौकीन हैं तो फिर समझ आती है। तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना आज हम एक ऑल्टरनेटिव निकालें कि अगर आपको थोड़ा बजट में या थोड़ी आपको यू नो सस्ती चाहिए लेदर जैकेट्स, वो कहाँ से मिल सकती हैं। तो इसलिए मैं आज जा रहा हूँ भाई दानिश और दानिश और साकिब के साथ। भाई हम जा रहे हैं पैनोरामा रेक सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट, पैनोरामा लेदर मार्केट वहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं सदर। तो भैया पैनोरामा मार्केट पहुँची है और ये पीछे हमारे रेक सेंटर है, और यहाँ आप देखते हैं कि भाई किधर कौन सी दुकान में क्या माल मिल रहा है, क्या डिज़ाइन है और क्या प्राइस है। और ये पीछे रैंडम एक्सप्रेशन के साथ खड़े हुए बॉयज, अब चलते हैं ये पीछे ये लेदर फिटी है, पहले यहीं देखते हैं क्या सेटअप है। वीडियो भी बना रहे हैं सर, हमारा एक छोटा सा चैनल है उसके लिए। तुम्हारे चैनल में किस साइज सर? मीडियम आई थिंक, पैसे नॉर्मली पहनता हूँ सर। क्या यार ये है तो नॉट राइट। अगर आप बोलो इसी क्या पैसे सर? लोकल सिर्फ 4000। सिर्फ 4000? और 4000 तो फिर थोड़ा बहुत तो बच्चों को माफ कर देते हैं आप। कर लेंगे। कितना हो जाता सर ये? 3500 फॉर दिस। सर ये स्पोर्ट क्वालिटी भी दिखाएं। ओरिजिनल लेदर शीप है सर? कौन सा है थोड़ा बता दें हमारी आवाम को थोड़ा। दिस इज द शीप। सही है, ओरिजिनल शीप। And you will get in America, this is $120. Yeah. Here I am selling about $400. Kasim. Kasim. I think we have met the right guy. इस ब्लैक लेदर जैकेट की जो प्राइस हमें पहले कोट की गई वो थी 4000। उसके बाद बोला कि यार हम 3800 की कर देते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा अंदाज़ा बोलता है कि अगर थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह की तो 3200 की मिल जानी चाहिए आपको। लेदर जैकेट्स की तलाश में हम नेक्स्ट गए जल्द, और यहाँ नीचे बेसमेंट में ना भाई फुल लेदर का सिस्टम ऑन है, मतलब लेदर जैकेट से जैकेट हर जगह लेदर ही लेदर है। कलर वगैरह फिनिशिंग, इंटीरियर फिनिशिंग इज नाइस टू, इट्स गुड। कलर इज नाइस, पोजीशन ऑफ द बॉक्स। इससे हाँ तो मैं बढ़िया। इससे सर इसको एक साइज छोटा आएगा इनको, है ना सर? इसकी लेंथ मेरे ख्याल से थोड़ी सी बड़ी लगी। अच्छा सर प्राइस क्या है इसकी? सर आपका नाम? आपका नाम सलीम। अब ये जिल्द पे ना मुझे एक रेड वाइन कलर की बाइकर जैकेट बहुत अच्छी लगी, डिज़ाइन वाइज, क्वालिटी वाइज, फिनिशिंग वाइज सब बहुत गुड था, लेकिन प्राइस ना आप खुद ही देख लो क्या हुआ यार। रेड वाइन कलर मुझे बहुत अच्छा यूनिक लगा, मुझे जैकेट का डिज़ाइन समथिंग लाइक दिस, इस किस्म की, इस कॉलर से थोड़ा डिफरेंट, आई रियली लाइक इट। सर इसकी क्या प्राइस है बता दें आवाम के सामने? जैकेट उसकी थोड़ी आपकी मॉडलिंग तो हो गई। देखिए सर प्राइस भी बता दें कि प्रॉपर, यहाँ तो दुकान के अंदर वो पता नहीं आता और कुछ पहनने में भी नहीं आता। एक्सपोर्ट। फिर हमने पूरी मार्केट का अच्छी तरह सर्वे किया, और कुछ शॉप की तो हमें प्राइसेस फजूल में बहुत ज़्यादा लगे, और कुछ शॉप पे तो लेदर जैकेट के ऐसे डिज़ाइन थे कि क्या बताऊँ। लेकिन फिर आगे जाके हमें एक ऐसी शॉप मिली जिसकी प्राइसेस भी काफ़ी अच्छी थी और क्वालिटी वाइज भी वो मुनासिब था। भाई ने बोला ये जैकेट फाइनल 3800, थोड़ा सा थोड़ी सी और गुंजाइश हो जाएगी, थोड़ी सी और गुंजाइश भी हो जाएगी। मतलब अगर कोई लेने आए बाद में, कोई वीडियो देखे गलती से आ जाए तो कितना कर दोगे फाइनल? इसके फाइनल हो जाएंगे 4200। मतलब राउंड ऑफ 4 नहीं करोगे आप? तो लेने आएगा तो कर ही दोगे मेरे ख्याल से, हैं इतना तो बनता है। और जो उस वाली जैकेट की उसका कितना हो जाएगा फाइनल? कोई लेने आए, जब लेने आए कैश हाथ में रखे तो कितना हो जाता है? 35 लास्ट। अगर कोई आना हो तो दुकान कैसे मतलब समझाते हैं आप, क्या किधर बिल्कुल क्या कह रहे हैं? कोई दुकान शॉप नंबर वगैरह? शॉप नंबर G110। G110 पैनोरामा सेंटर। बहुत सर साकिब हमें समझ नहीं आ रहा कि लेदर जैकेट जो मैंने देखी थी जेल था ना जेल पे देखी थी, जो 3500 पे अंकल मांगे थे लाइट ब्राउन कलर की, वो जैकेट मुझे ज़बरदस्त लगी प्राइस के लिहाज से। और आई थिंक पूरी जगह पे उस शॉप पे जो मुझे यार गुड बैग्स लेकिन आई थिंक ये शीप लेदर में बने हुए हैं। आजकल हम वैसे ही
बैग की तलाश में हैं। तो अच्छा बात हो रही थी कि यार हमें लेदर जैकेट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यार मुझे लाहौर जाना है, कराची में तो लेदर जैकेट का इतना कुछ खास फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ हम पहनते हैं शर्ट की वजह से, आपस की बात है। उसके अलावा जो हमने देखी थी, उन्होंने बोला था 14,000 की दे देंगे, रेड वाइन कलर बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन यार अगेन उसकी प्राइस भी 14,000 फॉर अ लेदर जैकेट नॉट वर्थ इट। लेकिन वो 3500 की वो कलर बड़ा ज़बरदस्त था, वो क्वालिटी बता दें, जेल की मुझे क्वालिटी वाइज ना जेल सबसे, अब हम लोग आ गए वापस भाई, जेल मुझे काफ़ी बेस्ट लग रहा था। तो मार्केट में मुझे कुछ लोगों ने रोक लिया था बात करने के लिए, और जो मुझे आखिरी बात बोलनी थी, कहनी थी, वो रह गई थी। तो मैंने सोचा अब क्यों ना स्टूडियो जाके आराम सुकून से आपसे बात की जाए, क्योंकि वो बात ना बड़ी ज़रूरी है। तो यार जितना मैंने सर्वे कर लिया अभी तक, जितना मैंने देखा है जाओ आके दुकानों पर, तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी लेदर जैकेट अगर आप बजट पर भी हैं तो 3,000-3,500 की अच्छी जैकेट मिल जानी चाहिए। थोड़ी बहुत आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर इससे कम की आपको लेदर जैकेट मिल रही है तो बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि जो वो लेदर यूज़ कर रहे हैं जैकेट को, वो रिफर्बिश तो नहीं, रीयूज तो नहीं। बाकी जितना मैंने सर्वे किया, मुझे मिनिमम जो लगा है ना अच्छी नई लेदर जैकेट, वो 3,500-3,000 की लगी है। इससे ऊपर ऑब्वियसली जा सकती है जितना गुड डालो, ज़्यादा चीज़ें मीठी होती हैं। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो, आप कराची में रहते हो, आप लेदर जैकेट पर इतना स्पेंड नहीं करना चाहते, तो यार 3,500-3,000 की जैकेट बहुत अच्छी है, बहुत गुड सीन हो जाएगा। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सनान तुम्हें पैनोरामा मार्केट में सबसे बेस्ट शॉप कौन सी लगी, मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, तो मेरे ख्याल से जो जिल नाम की शॉप थी ना, उसके पास जो इतनी वैरायटी वो तो एक बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा जो लेदर यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा लेदर, हाई क्वालिटी का लेदर लग रहा था। उनकी लेदर जैकेट्स की फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, और सबसे बेस्ट बात जो फिनिशिंग थी ना उनकी जैकेट्स की, मेरे ख्याल से पूरे मार्केट में जो बेस्ट फिनिशिंग जो जैकेट्स हैं ना, वो जिल्द के पास है। अंदर की लाइनिंग आप देख लो, जिप देख लो, बटन देख लो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे ही आपका एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। उनकी जैकेट्स पहनने के बाद मुझे ऐसे मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि यार पूरी हाई क्वालिटी चीज़ है, और इस लिहाज से उनकी प्राइस भी जस्टिफाइड थी। उसके अलावा बहुत बड़ी मार्केट है यार, मुझे एक G110 की जो शॉप मिली थी वो भी काफ़ी अच्छी, मतलब प्राइस के लिहाज से उसके पास जो माल था वो काफ़ी अच्छा था। और आपको हो सकता है इस शॉप में ना मिले, आप आगे जो बहुत बड़ी मार्केट है वो कहीं ना कहीं आपको आपकी प्राइस के लिहाज से अच्छी लेदर जैकेट मिल जाएगी, और इस वीडियो के बाद वो काम आपके लिए आसान ज़रूर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो अच्छी लगी, ऐसे चाहते हैं और वीडियो बनाऊँ, क्या आप चाहते हो किसका नेक्स्ट ब्लॉग कवर करूँ, कहाँ जाके वीडियो बनाऊँ, वो प्लीज़ मुझे नीचे बता दो कमेंट्स पे, और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, और अब मुझे जा दे दो। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। एंड रिमेंबर, be sophisticated.